हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम वीक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन टॉपिक्स। टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइन इन ए सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 14 किलोमीटर पर आवर। फास्टर ट्रेन क्रॉस ए मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 45 सेकेंड। हमें यहाँ पर देखिए दो ट्रेन दी है और जो पैरेलल लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव करी जिनकी स्पीड इज 50 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर पर आवर। फास्टर ट्रेन क्या है, स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए एक पर्सन को जिसके 45 सेकेंड में क्या करती है, क्रॉस करती है। पॉइंट समझना, फास्टर ट्रेन की तो हम लेंथ कंसीडर करेंगे क्योंकि फास्टर ट्रेन क्रॉस कर रही है, बट स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए एक पर्सन को क्रॉस किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट की अगर हम लेंथ की बात करें तो एक पर्सन की लेंथ कंसीडर होगी सेकंड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट, ठीक है। बट वेलोसिटी की बात करें तो वो सेकंड पर जो पर्सन है वो सेकंड ट्रेन में बैठा हुआ है, स्लोअर ट्रेन में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, स्लोअर ट्रेन के इक्विवेलेंट होगी। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझनी है, ऑब्जेक्ट में लेंथ क्या कंसीडर करेंगे इस केस में और वेलोसिटी। वेलोसिटी सिमिलर रहेगी उसी ऑब्जेक्ट की यानी ट्रेन की, बट यहाँ पर लेंथ एक पर्सन की क्रॉस होगी क्योंकि स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए एक पर्सन को क्रॉस किया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन देखिए कि यदि द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 2/5 ऑफ द फास्टर ट्रेन। जो स्लोअर ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है, 2/5 है फास्टर ट्रेन की। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन, स्लोअर ट्रेन की लेंथ बतानी। तो देखिए हमारे पास क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, तो हमारे पास क्रॉसिंग टाइम होता है L1 प्लस में L2 अपॉन में V1 प्लस माइनस। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन में, तो यहाँ पर माइनस का साइन आता है, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा। बट अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारी ट्रेन, फास्टर ट्रेन, ठीक है, जिसके लिए मैं एल एफ ले लेती हूँ, उसकी लेंथ एल एफ। फास्टर ट्रेन की जो लेंथ है वो एल एफ है और सेकेंड ट्रेन की हम स्लोअर ट्रेन की एल एस मान लेते हैं। बट फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन में बैठे एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी वो जीरो कंसिडर। लेकिन फास्टर ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो 50 एंड स्लोअर ट्रेन की जो वेलोसिटी है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लोअर ट्रेन की वेलोसिटी इज 14, बट ये हमारे पास किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, और जो क्रॉसिंग टाइम है 45 सेकंड वो सेकंड में। हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसे मीटर पर सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करके 5/8। तो यहाँ से हमारे पास फास्टर ट्रेन की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 इंटू में 50 माइनस 14 इज 36, 36 इंटू में 5/18। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 10, तो आपके पास यहाँ से लेंथ आ जाएगी फास्टर ट्रेन की, ठीक है, 450। कितनी आ गई, 450। अब हमारे पास ये फास्टर ट्रेन की लेंथ है, हमारे पास स्लोअर ट्रेन की लेंथ हमें फाइंड करनी है एल एस, तो वो क्या है, 2/5 ऑफ द फास्टर, ठीक है, 2/5 ऑफ द फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन की लेंथ कितनी है, 450, ठीक है, तो उसका 2/5 फाइंड कर लेंगे तो कितना आएगा, 180 मीटर। तो स्लोअर ट्रेन की लेंथ आपके पास कितनी है, 180 मीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम इन्वेस्टेड 1/2 ऑफ द सेविंग्स इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड रिसीव 1320 रुपीज एज ए इंटरेस्ट। राम के पास जो उसकी सेविंग्स होगी ना, वो 2 पार्ट्स में उसने इन्वेस्ट की है, ठीक है। फर्स्ट हाफ पार्ट उसने किसमें इन्वेस्ट किया है, तो फर्स्ट पार्ट हाफ उसने उसने इन्वेस्ट किया है LIC में, ठीक है, और उसमें सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसने इन्वेस्ट किया है, जिसका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का, ठीक है, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है 1320। इन्वेस्टेड रिमेनिंग अमाउंट यानी इक्वल अमाउंट ही, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट उसने किसमें, अनदर लाइफ इंश्योरेंस, वो भी एक अनदर लाइफ इंश्योरेंस, अनदर LIC में उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, एंड दैट पे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट बीइंग एनुअली कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर एट ए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है बट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला और उसको कितना अमाउंट मिला कंपाउंड इंटरेस्ट में, 1450 एज ए इंटरेस्ट। What was the value of total saving before investing in 2 policy? In 2 policy में जो उसने इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट कितना, हमें ये बताना है बिफोर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए दोनों में जो इसने अमाउंट इन्वेस्ट किया था P वो बिल्कुल इक्वल है, पहली बात। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है,
यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, बस दोनों डाटा जो है वो 2 ईयर का। सिंपल में तो क्या होता है, एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट, यानी अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आपके पास 1320 का, 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका हाफ, तो कितना आएगा 660। तो ये 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या है, 660 रुपीज। अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट है और कंपाउंड और सिंपल में जो डिफरेंस होता है देखिए वो क्या होता है, तो अगर हमारा कोई प्रिंसिपल है और 2 ईयर के रिस्पेक्ट में कहें फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट एंड सेकेंड ईयर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, यानी कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो आपके पास कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस कितना है, तो देखिए सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है, इनका डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है, तो 2 एंड 132 रुपीज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है। और सिंपल और कंपाउंड इनका जो डिफरेंस होता है वही इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, 1 ईयर का इंटरेस्ट 660, तो ये इसका कितने परसेंट है, तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 132 जो है वो 660 का कितने परसेंट, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 66 से 1, तो 32 इज टू, सॉरी आपके पास 2 टाइम कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 20%, ठीक है, 2 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। अब हमारे पास देखिए हमें प्रिंसिपल बताना है, अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट 660 है तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल का आर 20% ही, प्रिंसिपल का 20% ही तो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, प्रिंसिपल का 20% ही तो इंटरेस्ट होगा, वो कितना 660, तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 से 0 कैंसिल, 30 से 3, तो ये कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू इज 3300। 3300 उसने फर्स्ट LIC में इन्वेस्ट किया था और सेकंड में भी सेम ही किया है, ठीक है, तो 3300 उसने सेकंड LIC में इन्वेस्ट किया, तो टोटल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया है वो कितना है, 3300 प्लस 3300, तो ये आपके पास टोटल इज 6600, ठीक है, 6600 रुपीज जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, एक DI है और टेबल ग्राफ पे बेस है। सपोज RBI कंडक्टिंग एन एंट्रेंस टेस्ट इन 4 डिफरेंट सिटी एंड ईच स्टूडेंट हैव वर्क एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल इन SBI बैंक ऑफ इधर 2 ईयर एंड 4 ईयर। हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, जो SBI बैंक में या RBI बैंक में कुछ भी एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, मतलब ये कंसिडर किया गया, ठीक है, जिन्होंने क्या किया R4 SBI बैंक में उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 ईयर का या 4 ईयर का, जो RBI एग्जाम के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है, एक्सपीरियंस किसी भी बैंक का कंसीडर होता है ना, तो वो डाटा हमें दिया गया, या तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है या 4 ईयर का, एंड टेबल शो दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक द टेस्ट इन ईच सिटी इन 4 सिटीज में, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया है, और हमें यहाँ पे क्या दिया गया वो कितने हैं, तो अगर हम बात करें आगरा में जिन्होंने RBI का एंट्रेंस एग्जाम दिया 500, ठीक है, बैतूल में कितने हैं 500, चंडीगढ़ में 480 एंड देहरादून में 730, ठीक है, इन 4 डिफरेंट सिटीज में, और टोटल एवरेज वर्क एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर दिया है इन ईच सिटी का वो कितना है, तो आगरा का 2.8 ईयर एंड बैतूल का 3 ईयर। पर एक चीज समझना, ये एवरेज वर्क एक्सपीरियंस दिया है जिसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस है या 4 ईयर का, अगर मुझे ये फाइंड करना है, पॉइंट समझना कि इन आगरा, ठीक है, 2 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के कितने स्टूडेंट हैं, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस के कितने स्टूडेंट हैं एंड 4, तो पहले मुझे ये क्यों, क्योंकि एवरेज वर्क एक्सपीरियंस दिया है, पॉइंट समझना। मैं मानती हूँ आगरा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 500, जिसमें से 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस कितनों के पास है, A के पास या X के पास, ठीक है, तो 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस कितनों के पास होगा, 500 माइनस E। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क एवरेज वर्क एक्सपीरियंस कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने A, और इनपे 2 ईयर का एक्सपीरियंस, तो ये टोटल एक्सपीरियंस, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 500 माइनस E, और इनपे कितना है 4 ईयर का, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज टोटल इज 500, और एवरेज हमें कितना दिया 2.8, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 2A प्लस में 2000 माइनस 4A किसके इक्विवेलेंट है आपके पास 500, 5 की 2.4 से 1 आपके पास 14 आएगा, और ये 1400,
ठीक है, ये माइनस का 2a, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 अपॉन में 2 इज सॉरी आपके पास 600 अपॉन में 2 इज 300। ठीक है, यानी 2 ईयर के एक्सपीरियंस वाले कितने हैं, अगर हम आगरा में बात करें तो 300, तो 4 ईयर एक्सपीरियंस इज 200। सिमिलर हम अदर्स ईयर अदर सिटी का डाटा भी सिमिलर ऐसे फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा देखिए, अब तो हमें क्लियर पता ही है। इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे पहले बेतुल की बात करते हैं। ठीक है, तो 500 में से आपके पास वही सेम करेंगे, ए 2 ईयर का एक्सपीरियंस एंड 500 माइनस ए, ठीक है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस, और सीधा मल्टीप्लाई में ले रही हूँ मैं, 3 × 5 इज 1500। ठीक है, ये कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए आपके पास 2a ही आएगा, और 2a की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2000 में से 1500 यानी 500, तो a की वैल्यू इज 250। ठीक है, तो यानी इसमें 2 ईयर के एक्सपीरियंस के भी 250 एंड टोटल इज 500, तो 4 ईयर एक्सपीरियंस इज 250। नेक्स्ट इज चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में आपके पास a की बात करते हैं एंड सेकेंड इज 480 माइनस। ठीक है, ये 2 ईयर के एक्सपीरियंस है एंड ये 4 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 480 × 10/3। ठीक है, तो ये आपके पास 160 आएगा, 160 × 1600 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास ये कितना आएगा, 4 × 4 = 16 होता है। ठीक है, एंड आपके पास 320, तो 1900। तो आप यहाँ पे वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आएगा, वही सेम चीज है 2a के इक्विवेलेंट, तो 2a की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, तो वो आएगी 1920 माइनस, ठीक है, 1600, तो a की वैल्यू इज 320। ठीक है, और a की वैल्यू 2a की वैल्यू इज 320, तो a की वैल्यू इज 160। तो 2 ईयर के एक्सपीरियंस वाले 160 एंड 320 आपके पास क्या होंगे, 4 ईयर एक्सपीरियंस। ऐसे सिमिलर लास्ट डाटा हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमने इस टेबल को क्या किया, डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ए एंड 750 माइनस ए, 4 ईयर एक्सपीरियंस तो × 4 एंड ये 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो ये देखिए ये किसके इक्विवेलेंट है, 750 × 2.5। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में देखिए 750 × 4 है, डायरेक्टली मैं ले जा रही हूँ 750 कॉमन, और ये किसके इक्विवेलेंट है, 2 की 750 × 4 एंड 4 माइनस 2.4, 2 कॉमन ले लिया है मैंने इस वैल्यू को इधर लाके 2.4, तो आपके पास कितना आएगा 1.6। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 0.8, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी, 750 × 0.8, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। a इज 600, यानी देहरादून सिटी में 2 ईयर एक्सपीरियंस कितने स्टूडेंट है, 600, तो आपके पास 150 इज 4 एक्सपीरियंस। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इस GI में डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द एस्पिरेंट हु टुक द एग्जाम इन सिटी ऑफ आगरा हैड अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर। हमें यहाँ पे बताना है कि आगरा सिटी से 4 ईयर के एक्सपीरियंस के जो स्टूडेंट है वो कितने परसेंट है। तो देखिए पहले हमारे पास आगरा सिटी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 500, जिसमें से 2 ईयर एक्सपीरियंस इज 300 एंड 4 ईयर एक्सपीरियंस इज 200, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब 4 ईयर एक्सपीरियंस के जो स्टूडेंट है वो टोटल का कितने परसेंट है, तो 4 ईयर स्टूडेंट इज 200, ठीक है, एंड टोटल स्टूडेंट इज 500, इसका व्हाट परसेंट। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई 2/5 किसके फ्रैक्शन होती है, 4 ईयर एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट पर पता नहीं, 2/5 इज 40%। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस स्टूडेंट कितने हैं, 40%, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सिटी ऑफ बेतुल 40% ऑफ द कैंडिडेट विद मोर देन 3 ईयर ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस वर बॉय एंड 50% दोज with less than the 4 year of the work experience were girl. Determine the number of girls who appear for the exam in Betul city. अब आप बस देखें, Betul city में सबसे पहले हम ये देखें, 2 year experience and 4 year experience. ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 2 year experience is 250 and 4 year experience भी 250. But, अब हमें क्या बताया गया, जो मोर देन थ्री ईयर इज 4 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, उसमें से 40% क्या है, 40% इज बॉयज। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं, 40%, तो रेस्ट ऑफ द 60% क्या होगी, गर्ल्स। ठीक है, 250 का 60% कितना होगा,
तो वो आपके पास 150 होगा। ठीक है, 3/5 फाइंड करेंगे 250 का, तो आपके पास कितना आएगा, तो वो 150। नेक्स्ट देखिए उसने क्या कहा, लेस देन फोर ईयर इज 2 ईयर एक्सपीरियंस। उसमें हमारे पास क्या दिया है, 50% इज बॉयज एंड 50% इज गर्ल्स, क्योंकि 50% क्या है, गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है, इसका 50% फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 120। अब हमसे ये पूछा गया इस सिटी से जो एग्जाम में अपीयर हुई है टोटल गर्ल्स की, तो टोटल गर्ल्स कितनी होंगी, 125 + 150 = 275। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 275। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द कैंडिडेट हु टुक द एग्जाम इन ए सिटी ऑफ चंडीगढ़, ठीक है, 50% ऑफ द, देखिए हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो लास्ट टेबल ये है, ठीक है, तो इस टेबल को हम टेबल हमें ध्यान रहेगी। चलिए चंडीगढ़, ठीक है, 50% दोज 4 ईयर वर्क एक्सपीरियंस वर सेलेक्टेड एंड 40% ऑफ दोज विद 2 ईयर एक्सपीरियंस वर नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जाम इन सिटी चंडीगढ़ वर सेलेक्टेड। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, अमंग द कैंडिडेट हु टुक द एग्जाम इन सिटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जिन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है, तो वो कितने हैं हमारे पास, चंडीगढ़ का डाटा हमें यहाँ से ले लेते हैं 480। ठीक है, 480 जिसमें से 2 ईयर एक्सपीरियंस एंड 4 ईयर एक्सपीरियंस है पहले अलग, जिसमें से आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस 160 एंड 4 ईयर एक्सपीरियंस 320। ठीक है, तो ये 160 एंड ये 320। अब देखिए क्या कहा गया है, 50% दोज विद 4 ईयर एक्सपीरियंस पर सिलेक्टेड। ठीक है, 50% ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है ना, वो सिलेक्टेड। तो हम यहाँ से सिलेक्टेड अगर लें, ठीक है, इनमें से 4 ईयर एक्सपीरियंस में, तो 50%, तो 50% कितना होगा, 160। ठीक है, और नॉट सिलेक्टेड भी कितने होंगे, तो नॉट सिलेक्टेड भी सेम हमारे पास 160 4 ईयर एक्सपीरियंस में से। अब उस नेक्स्ट लाइन क्या कही, 40% ऑफ दोज हु एक्सपीरियंस हुज एक्सपीरियंस इज 2 ईयर, ठीक है, नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, इसमें से 40% नॉट सिलेक्टेड है, नॉट सिलेक्टेड इज 40%। ठीक है, अब हमसे टोटल सिलेक्टेड पूछे गए ना, तो 40% नॉट सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड कितने होंगे, तो सिलेक्टेड इज 60%। ठीक है, तो 160 का 60% हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 160 का आपके पास देखिए, अगर 160 का 10% का है तो 16, और आपके पास 60% का है तो 16 × 6 = 96। तो सिलेक्टेड कितने हैं, 96। और अगर आपको ये भी फाइंड करनी है तो आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, 64 इज नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, अब हमारे पास ये यहाँ पे पूछा गया है, डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज हु अपीयर फॉर द एग्जाम इन चंडीगढ़ एंड वर सिलेक्टेड। सिलेक्टेड पहले है कितने, 160 + 96। ठीक है, तो ये 6 × 9 = 5 = 256। अब कितने परसेंट है टोटल का, हमें ये फाइंड करना है परसेंटेज। ठीक है, तो 256 इसका 480 व्हाट परसेंट। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से मिनिमाइज करेंगे 1 टाइम एंड 2, 4 से मिनिमाइज करेंगे आपके पास 4 6 = 24। ठीक है, एंड फिर 1 रिमेनिंग, 4 4 = 60। ठीक है, फिर अगेन 4 से मिनिमाइज अगर हम करें तो ये 3 टाइम 4 से मिनिमाइज इसे करते हैं तो आपके पास 60। ठीक है, तो 160/3, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास ये कितना आएगा, 53%। अप्रोक्सीमेशन में ही पूछा गया था तो आंसर इज 53%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर द एग्जाम इन सिटी बैतूल हैड अ 4 ईयर एक्सपीरियंस। 4 ईयर एक्सपीरियंस कितना है हमारे पास बैतूल में से, अगर हम बात करें 250। ठीक है, एंड सेकेंड हमें बताने 2 ईयर एक्सपीरियंस इन देहरादून, वो कितने हैं, 600। ठीक है, जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो कितने हैं, 600। इनके बीच में रेशियो बताना है। ठीक है, हमारे को इनके बीच में क्या बताना है, बैतूल में 4 ईयर एक्सपीरियंस, देहरादून में 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो हम ऑलरेडी ये डाटा कन्वर्ट कर ही चुके हैं, 4 ईयर एक्सपीरियंस बैतूल में कितने हैं, 250, एंड देहरादून में 2 ईयर एक्सपीरियंस कितने हैं, तो वो आपके पास 6। रेशियो बताना है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से मिनिमाइज करोगे 5 टाइम और 5 से मिनिमाइज करोगे 12। रेशियो इज 5:12, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है. सपोज 250 कैंडिडेट 250 कैंडिडेट विथ 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस वर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन एग्जाम इन देहरादून. वट वुड हैव बीन एवरेज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ईच कैंडिडेट हु टुक द एग्जाम इन सिटी देहरादून. देखिए हमारे पास देहरादून का डाटा दिया है. तो देहरादून में हमारे पास 2 ईयर एक्सपीरियंस कितने हैं, 600, टोटल इज 750 एंड 1 ईयर टू 4 ईयर एक्सपीरियंस इज 150. तो देखिए 2 ईयर एक्सपीरियंस कितने कैंडिडेट है, 600, ठीक है, एंड 4 ईयर एक्सपीरियंस हमारे पास कितने कैंडिडेट है, 150. ठीक है, अब हमारे पास 3 ईयर एक्सपीरियंस के 250 कैंडिडेट और इसमें परमिट कर दिए. तो अब टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 600 प्लस में 250 प्लस में 150 इज 1000. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 1000. अब एवरेज बताना है, एवरेज एक्सपीरियंस बताना है. तो एवरेज एक्सपीरियंस क्या होगा, वही सेम चीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू में 2 ईयर का एक्सपीरियंस इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू में 3 ईयर का एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू में 4 ईयर एक्सपीरियंस बस, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. से सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपके पास कितना आएगा, 1200, 750 एंड प्लस में 600 डिवाइडेड बाय 1000. सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है, एंड 525 डिवाइडेड बाय 1000. जीरो से जीरो कैंसिल एंड पॉइंट लगाऊंगी तो 2.55, ठीक है, 2.55 ईयर का एक्सपीरियंस. तो एवरेज एक्सपीरियंस कितना आ गया, अब एवरेज एक्सपीरियंस अब देहरादून सिटी का क्या हो जाएगा, अगर 250 स्टूडेंट 3 ईयर एक्सपीरियंस के परमिट कर दिए जाए तो 2.55 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा. चलिए, थैंक यू सो मच.